असल मैं मिज़वान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामा आज के इस वीडियो में ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाद के मेन एंट्रेंस गेट नंबर वन से लेके आपको जो वाटर फ्रंट ब्लॉक है उसके डेवलपमेंट के हवाले से बताऊंगा प्लस उसके साथ साथ जो गेट पर डेवलपमेंट हुई है उसका भी बताऊंगा अगर हम बात करें मेन गेट की तो मेरे ख्याल है मैं कराउल पिंडी इस्लामा में अगर आप पिछले पाँच से सात साल के ड्यूरेशन में जो भी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं उनके गेट्स देखें और ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट देखें तो सबसे फ्लैगशिप जो गेट्स हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास हैं वो गेट नंबर वन हो या गेट नंबर टू हो दोनों गेट्स बहुत ज़्यादा फ्लैग शिप डिजाइन पे मुकम्मल किए गए हैं जिसकी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में ऑलरेडी बन चुकी है अगर मेन गेट नंबर वन से आप बात करें तो एक्सेस की तो सीधा जो सेंट्रल एवेन्यू है जिसकी वेट है दो सौ फुट ये जाकर लीड करता है टुवर्ड्स तो वाटर ब्लॉक और वाटर ब्लॉक की ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की बात करें वो आगे मैं गूगल अर्थ इमेजेस भी एड करूंगा तो आपको उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि वाटर ब्लॉक बनता कहाँ पे है और इस वक्त उसके डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है राइट right नाउ जो रोड आप देख रहे हैं सेंट्रल एवेन्यू ये जाके जनरल ब्लॉक का जो सेक्टर सिक्स है उससे मैच करता है और सेक्टर सिक्स से आगे एक्सटेंशन है, है।, है, है तो यह जो रोड है वाटर फ्रंट को भी करेगा और जनरल तो है इंपॉर्टेंट बात यह है इस वक्त सिटी ने वॉटरफ्रंट ब्लॉक के जो पेमेंट प्लान था चार साल का उसमें मरला के प्लॉट लॉन्च किए सतराह लाख पचास हजार रुपए के आजकल के हालात में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लाख पचहत्तर हजार डाउन पेमेंट के साथ आप यहाँ पे छे मरला प्लॉट बुक कर सकते हैं अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के चूंकि पेमेंट प्लान चार साल का है तो साइड पर डेवलपमेंट की बात करें तो आपको देखते हैं मेन रोड अभी नजर आ रहा है ग्राउंड पे ये मेन रोड जब कंप्लीट होगा आगे ब्लॉक में जब डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली जो सत्रह लाख पचास हजार का प्लॉट आज है उस चार साल बाद जब पेमेंट प्लान मुकम्मल होगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइस में काफ़ी ज्यादा इंक्रीज आएगा इसके साथ अगर बात करें ब्लूट सिटी की मजीद एक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि इस वक्त एज़ पर द ऑनर ऑफ़ डूवल्ड सिटी या चेयरमैन ऑफ डू वर्ल्ड सिटी नजीर साहब के हमारे पास तकरीबन सवा तीन लाख कनाल लैंड मौजूद है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के सी ई हैं जो नई मजाज वो इस साइड के इसी हल्के के रहने वाले हैं तो उन्होंने यहाँ पे लैंड की प्रिक्योरमेंट में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया है इस वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है बाकी जितने ब्रांड्स यहाँ पे हैं फैसल टाउन कैपिटल स्मार्ट ट्रीट डी एच ए नाइन जितने ब्रांड्स यहाँ पे फ्यूचर में भी आएंगे उन ब्रांड्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड के तौर पे उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसकी वजह से बाकी जितने ब्रांड्स यहाँ पर आएंगे वो इस ट्रम्प कार्ड की वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी पर डिपेंडेंट होंगे तो ये बहुत पॉजिटिव बात है अगर हम बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की बैक साइड से तो अडयाला रोड से आगे जहाँ पर बैरिया टाउन फेज़ एट है उस तरफ जाके मैच होता है और कुछ लास्ट मीटिंग के मुताबिक सार नजीर ने जो कहा था कि हम इस ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक साइड से बैरियर टाउन और दूसरी साइड से फतेहजंग रोड जो सी पैक रूट है वहाँ से अटैच करेंगे तो अब देखेंगे जब बैरियर टाउन से अटैच होगा तो एक एक्सेस बन जाएगी जिसकी वेट होगी और ऑलमोस्ट पाँच सौ की जो डायरेक्टली जाके फतेह जंग रोड के साथ जितना शेख ज्यादा एवेन्यू है दुबई में उसी तर्ज पर एक रोड बनाया जाएगा और ब्लू वर्ल्ड सिटी को प्लान किया जा रहा है कि दुबई से बड़ा शहर बनाया जाए दुबई तकरीबन अप्रॉक्सीमेट दो लाख कनाल का शहर है और यहाँ पर सवा तीन लाख कनाल आज की डेट में ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास लैंड पिक्योर्ड है लेट सी कि ये तो क्लेम ना सारे फ्यूचर में जाके जब डिलवेंस होगी साइट पे मुकम्मल होंगे चीज़ें तो उसके बाद एक चीज़ क्लियर होगी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्लेम कितनी अपनी जगह पे ठीक है अगर हम दूसरी साइड बात करें तो वर्ल्ड सिटी ने अवामी ब्लॉक और बुकिंग है वह चौदह लाख पचानवे हजार रुपए की है, जो सिर्फ आप डेढ़ लाख रुपए से प्लाट वहां पर बुक कर सकते हैं और इसके साथ साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना इंटरचेंज बनाया मेन एम टू मोटरवे पे जो इंटरचेंज बनेगा वहां से वर्ल्ड सिटी को कैपिटल स्मार्टी अपना मेन बुलेवर्ड होगा 400 फीट का वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेन डाउनटाउन है कमर्शियल मोटरवे से एडजस्टमेंट उसके साथ और उसके ऑपोजिट साइड पर जब डी एच आएगा तो ये सर्कुलर रिंग रोड बन जाएगा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लू वर्ल्ड सिटी उसके साथ साथ आगे जाके डी एच और एक नया जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट आएगा बिटवीन ब्लू वर्ल्ड और एक बहुत बड़े ब्रांड के दरमियान में उसको कनेक्ट करेगा अब देखते हैं लेटेस्ट स्टेज पर जाकर यह डेवलपमेंट कहाँ स्टैंड करती है इस वक्त वाटर की फुटेज देख रहे हैं ये वाटर की स्पेस बनती है जो इस वक्त आपको कुछ कटिंग का एरिया नज़र आ रहा है कुछ अलाइनमेंट डेवलपमेंट नजर आ रही है ये सारी वाटरफ्रंट की स्पेस है और उससे आगे जाके फिर ऑर्बिटल एवेन्यू आ जाता है जहाँ पे मेन एक्सेस वन रोड से आप एक्सेस लेते हैं तो जहाँ पे हॉर्स मैस्कट्स आते हैं वो भी आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहे होंगे जनरल ब्लॉक सेक्टर सिक्स भी नजर आ रहा होगा और आगे कुछ सेक्टर फाइव की कटिंग्स नज़र आ रही होंगी जो ब्लो वर्ल्ड सिटी में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है उन एरियाज पे मजीद जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी मैं ट्राई करूँगा टाइम टू तो टाइम वीकली नहीं तो एटलीस्ट मंथली टू वीडियोस या थ्री वीडियो लाजी पोस्ट कर दिया करूँ हर एक सेक्टर के लिहाज से हर एक ब्लॉक के लिहाज से ताकि जिन मेबर्स की भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड सिटी में उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉपर फॉलोअप मिल सके राइट ना अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी में बात करें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में ओवरसीज ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक डेवलप है और दूसरे ब्लॉक पर डेवलपमेंट हो रही है एक ब्लॉक भी फुली डेवलप नहीं है स्ट्रीट फोटी फोर से स्ट्रीट नंबर सिक्सटी तक वहां पर डेवलपमेंट अभी नहीं हुई फोर्टी फोर तक डेवलपमेंट हुई है एटी परसेंट्लीटमल सिर्फ अलाइनमेंट सेट होनी है उसके साथ साथ बाकी जो जनरल ब्लॉक के सेक्टर हैं सिक्सटीन एक्सटेंशन तक उनकी डेवलपमेंट अभी पेंडिंग है जब वहां पर डेवलपमेंट होगी तो मजीद बातें वहां पर ऐड कर दूंगा राइट ना अर्थ पर देखते हैं सारे एरिया जो देख रहे हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर बनती है इस वक्त वर्ल्ड सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं जनरल ब्लॉक का और उसके साथ से जो एंट्रेंस गेट है जो वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था सेंट्रल एवेन्यू और सेंट्रल एवेन्यू से आगे आपने मेन 360 डिग्री में जो मेन गेट है उसकी एलिवेशन देखी थी यही सेंट्रल एवेन्यू से रोड आगे, आगे आपका लीड करता है टुअर्ड्स वाटर ब्लॉक और वाटर ब्लॉक को सेंट्रल एवेन्यू जो लीड करता है उसकी वर्थ है टू फीट यही आगे जाके एक्सटेंड होता है विद द मेन जनरल ब्लॉक अब ये जनरल का सेक्टर फाइव है मैं थोड़ा सा आपको मैप ज़रा क्लियर कर दूं चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड के लिए कि अगर आप देखते हैं कि ये सेंट्रल एवेन्यू इस तरफ से लीड करता है और मिडल एवन्यू टूवर्ड्स हार्स मैस्कट्स ये जो हॉर्स मैस्कट्स आपको ग्राउंड पे नजर आते हैं ये इस तरफ लीड करता है और दूसरी तरफ से ये जो रोड है आपका ये भी आगे जाके जनरल ब्लॉक की तरफ ही लीड करता है यानी कि आप जब इस पॉइंट पे आते हैं ये एक पॉइंट है जनरल ब्लॉक का राउंड बोर्ड बनेगा यहाँ पे अब इस राउंड बोर्ड के साथ जो लेफ्ट साइड पे ये वाला सारा एरिया है यहाँ पे सारा हाई राइज कमर्शियल होगा जैसे आपको नजर भी आ रहा है लक्जरी अपार्टमेंट्स हैं इस तरफ तकरीबन अप्रॉसीमेट यहाँ पे जितने प्लाट हैं वो दस दस कल के प्लाट्स हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग के इस राउंड अबाउट से अगर हम बात करें कि इस तरफ तो ये आपका सारा आ जाता है जनरल सिक्स की तरफ जाकर अटैच होता है ये जनरल का सेक्टर फाइव है और इससे आगे ये सेक्टर सिक्स बन रहा है जनरल ब्लॉक का और इस तरफ 6, सेक्टर सिक्स ये सॉरी सेक्टर सिक्स है ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है और ये इस तरफ सेक्टर सिक्स एक्सटेंशन है तो ये जो पॉइंट आपका जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ लॉन्च कनेक्ट होगा और इसके साथ साथ ये आगे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ आगे रोड जाकर कनेक्ट करेगा इस मेन स्कूल एवेन्यू से और स्कूल एवेन्यू का जो राइट right साइड है ये सारा सेक्टर सिक्स एक्सटेंशन है याद रहे कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है स्कूल एवेन्यू इस राउंड बोर्ड तक एग्जिस्ट करता है उससे आगे लेफ्ट साइड पर जो रोड जा रहा है इस रोड के साथ इस रोड ने आगे कनेक्ट करना है और इसी रोड ने आगे मेन एंट्रेंस गेट से कनेक्ट करना है ये एंट्रेंस गेट है ये रोड जो बन रहा है अभी लीड कर रहा है इस तरफ इस राउंड बोर्ड पर आएगा तो राउंड बोर्ड से नीचे वाली साइड पर सारा वाटर फ्रंट ब्लॉक है राउंड बोर्ड से अगर आगे की तरफ हम जाएँ तो आगे की तरफ जाके जो ये पहला राउंड अबाउट आता है ये सेक्टर फाइव का राउंड अबाउट है और इसके बिल्कुल नीचे सेक्टर फाइव और सेक्टर सिक्स का जंक्शन बनता है ये सारा सेक्टर सिक्स का ये एरिया बनता है सेक्टर सिक्स की प्रेमिसज और इसके अलावा सेक्टर सिक्स एक्सटेंशन की प्रेमिसज इस तरह बनती हैं सेक्टर सिक्स एक्सटेंशन मुकम्मल नॉन डिवेलप है सेक्टर सिक्स जो है उसका पार्शल एरिया जो है जो राउंड आपको ये गोल राउंड uh, बुलेवर्ड्स नज़र आ रहे हैं इन पे प्रॉपरली जो कुछ कटिंग का काम है वो हुआ है और स्ट्रीट्स के अलाइनमेंट और प्लस ये आपको सेवरेज का काम भी नज़र आ रहा होगा सेक्टर सिक्स के अंदर बाकी जो सेक्टर सिक्स एक्सटेंशन है वो फुली नॉन डेवलप है सेक्टर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन एक्सटेंशन वो अभी यहाँ पे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनके मैप जो मैं रख भी लूँ यहाँ पे मास्टर प्लान पे क्योंकि कंबाइंड मास्टर प्लान जनरल ब्लॉक का नहीं है मेरे पास किसी मेंबर के पास हो तो डेफिनेटली मैं शेयर कर दे मैं उसको इस पर प्रॉपर सेट करके तमाम डिटेल्स बाद में वीडियो को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छा जी इस राउंड अबाउट से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो आपको एरिया नजर आ रही है स्पेस नज़र आ रही है ये सारी वाटर फ्रंट की स्पेस है और वाटर फ्रंट में इस जगह पर कुछ ब्राउनिंग हुई है कुछ इस जगह पर ब्राउनिंग हुई है कुछ इस जगह पर ब्राउनिंग हुई है उसके अलावा बाकी एरिया जो है वो भी नॉन डेवलप है बाकी बात करें वाटर फ्रंट की ये जो आपको एक रिवर नज़र आता है इस रिवर के ऑपोजिट साइड पे इस जगह पे प्रॉपर लेवलिंग यानी कि जो प्रॉपर ब्लेड्स मार लेवल ज़मीन को लेवल किया गया है वो आपको फिजिकली नज़र भी आ रहा होगा सोआ रिवर के इस तरफ ये जो है एरिया ये भी वाटर फ्रंट की प्रीमिसज है जब इस एरिया में डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से भी मज़ीद अपडेट मेंबर्स को तो कर दूंगा जिन मेंबर्स की ब्लूवल सीडी वाटर फ्रंट में इन्वेस्टमेंट है उनको उस पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अगेन बैट ट्रेल टाइम फुटेज दोबारा स्क्रीन इस वक्त स्क्रीन पे वही जो मेन जनरल का सेक्टर फाइव है जो मैंने आपको गूगल थ्रू एक्सप्लेन किया है सेक्टर फाइव के बाद सेक्टर सिक्स एक्सटेंशन सेक्टर सिक्स और पीछे बैकग्राउंड में आपको जो ऑर्बिटल एवन्यू मेन जिस पे हॉर्स मैस्कट प्लस जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो एरिया नज़र आ रहा होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत कम रेट्स पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया था तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम फ्रेम लगेगा क्योंकि कैश जो मेम्बर की तरह इंस्टॉलमेंट आती हैं है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बहुत कम होती है हाँ ये है फिजिबिलिटी अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है चार पाँच छः साल का प्लान है तो डू कंसिडर ब्लू वर्ल्ड सिटी अदरवाइज आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन बन सकते हैं सो वज दिस इट फ्रंट टुडे अगर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लाबाद में या इससे रिलेटेड जो अराउंड प्रोजेक्ट हैं जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी डी एच एन एन फ्यूचर में लॉन्च होगा उनमें बुकिंग वाले कुछ मालूम चाहिए हो तो देखिए नंबर पर प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक लिए खुदा हाफिज़